हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई जानकारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपकी हिचकी को जल्दी से जल्दी रोकने में मदद करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि हिचकी के समय काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और यदि उन्हें हिचकी आना शुरू होती है तो वह काफ़ी लंबे समय तक आती है और वह नहीं रुकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो इससे आपकी हिचकी जो है वह बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको ढेर सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इन छोटी छोटी टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपको हिचकी आए, तो आप क्या करें, एक ग्लास तुरंत ठंडा पानी पिएं, तो इससे जो हिचकी होती है वह रुक जाती है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि पानी पीते समय अगर आप अपनी नाक को बंद कर लेते हैं तो इससे जो हिचकी है वह भी बंद हो जाती है काफ़ी जल्दी। इसके अलावा ग्लास को घुमाकर दूसरे छोर से पानी पीना भी बेहतर होता है। इसके बाद आप दूसरा जो तरीका कर सकते हैं वह होता है शहद का। जब भी आपको हिचकी आए, तो थ्योरी कहती है कि हिचकी आने पर एक चम्मच शहद खाना फ़ायदेमंद होता है। अचानक से शरीर को मिलने वाली शहद की मिठास नर्व को संतुलित करती है, जिससे कि आपको हिचकी आना बंद हो जाती है। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि हिचकी आए तो आपको अपनी सांसें जो है कुछ समय के लिए रोक लेनी चाहिए, तो इससे आपको हिचकी आना बंद हो जाती है। यह बहुत ही पुराना नुस्खा है, इससे हिचकी को रोकने में मदद मिलती है। इसके बाद जो अगला तरीका है, आप यह कर सकते हैं, हो सकता है यह तरीका आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से अपनी उंगलियों को मुंह में अंदर की तरफ लेकर जाना है। यह आपके हिचकी को रोकने में मदद करता है। ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं करें, इससे आपको खांसी आ सकती है, इसलिए यह जो प्रोसेस है आपको धीरे धीरे करनी है। उंगलियों को मुंह में वहां तक ले जाना है जब तक कि मुंह अपने आप हल्का बंद ना हो जाए। तो इस तरह से ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो रूल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी हिचकी को बंद करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।